हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट 5। रेल्स टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर को करने से पहले बेटर होगा कि आप, मैंने जो क्वेश्चन पेपर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है उसको सॉल्व करें। उसमें 30 क्वेश्चन है 30 मिनट के हिसाब से, फिर उसका सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो पर आइए। फॉलोइंग टॉपिक्स कवर किए गए हैं, रेल का कंपोजिशन क्या है, रेल्स पर क्या क्या टेस्ट होते हैं, रेल सेक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, रेल के डिफेक्ट्स के बारे में, क्रीप क्या होता है, किस तरह से आती है रेल में, और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक प्रोसेस क्या है, ये सभी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टू इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन द कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेल आर। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेल निर्माण में जो स्टील इस्तेमाल की जाती है उसका जो कंपोजिशन होता है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट घटक डाले जाते हैं। तो स्टील की बात है तो आयरन तो डाला ही जाता होगा, आयरन के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट घटक डाले जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन और सिलिका, क्या ये डाला जाता है, मैग्नीज फॉस्फोरस, कार्बन एंड मैग्नीज, कार्बन एंड सल्फर। तो हम जानते हैं कि रेल निर्माण में कार्बन एंड मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे ये जो केमिकल कंपोजिशन है, ये ग्रेड अगर 880 की बात की जाए तो इसमें कार्बन, मैग्नीज, सिलिका, सल्फर, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम और लिक्विड हाइड्रोजन, इन सबका इस्तेमाल होता है। जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है वो है कार्बन और मैग्नीज। तो इसका आंसर हो गया सी, कार्बन 0.6 से 0.8% डाला जाता है और मैंगनीज 0.8 से 1.3% डाला जाता है। ग्रेड 880 का मतलब होता है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है 880 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 880 मेगापास्कल इसकी स्ट्रेंथ है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज आर रेस्पेक्टिवली। ये पूछना चाह रहा है कि जो ब्रॉड गेज रेल है और जो आपके मीटर गेज रेल है उनकी जो स्टैंडर्ड मानक लंबाई है वो कितनी है। तो ब्रॉड गेज का हम जानते हैं 13 मीटर और मीटर गेज का हम जानते हैं 12 मीटर इनकी लंबाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर रेल, रेल्स के लिए निम्न टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, फॉलिंग वेट टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट और हैमर टेस्ट। तो इसमें जो कंपलसरी टेस्ट है वो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ए, थर्ड का ए, मतलब कि जो पहला है मींस फॉलिंग वेट टेस्ट है वही कंपलसरी होता है, उसे करना जरूरी होता है। बाकी ये जो दो टेस्ट हैं टेंसाइल टेस्ट और हैमर टेस्ट, इन्हें करने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती। अब हम देखेंगे कि ये टेस्ट किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है फॉलिंग वेट और टप टेस्ट। जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें कोई भार या फॉलिंग वेट गिराया जाता है रेल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसका एक डायग्राम बना रखा है। ये आपकी सिंपली सपोर्टेड रेल होती है। इस रेल को 1.5 मीटर की दूरी पर सिंपली सपोर्ट किया गया है। इसके ऊपर 1000 किलो का वेट गिराया जाता है और कितनी दूरी से गिराया जाता है, 7.2 मीटर से। इसको ही फॉलिंग वेट कहा जाता है या इसे TUP टप के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है द स्पेसिमेन शुड विदस्टैंड द ब्लो विदाउट एनी फ्रैक्चर, मतलब कि ये जो स्पेसिमेन है इस पर जब ये लोड टकराएगा या इंपैक्ट करेगा तो इस पर कोई फ्रैक्चर या कोई टूट फूट या क्रैक के निशान नहीं पड़ने चाहिए। दूसरी बात इसमें क्या है, वन फॉलिंग वेट टेस्ट इज डन फॉर एवरी कास्ट ऑफ 100 मीट्रिक टन, मतलब कि जब भी 100 मीट्रिक टन रेल्स बनाई जाएंगी तो एक फॉलिंग वेट टेस्ट किया जाएगा। 100 मीट्रिक टन का क्या मतलब हुआ, 100 टन बराबर हो गया आपका लगभग 100,000 किलो, मतलब कि जब आप फैक्ट्री में 100,000 किलो का निर्माण करेंगे तो एक टेस्ट होगा, जब दूसरे 100,000 किलो रेल निर्माण की जाएगी तो आप इस टेस्ट को करेंगे। तीसरी सबसे खास बात है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, दिस टेस्ट इज कंपलसरी, कि ये टेस्ट हमेशा या जरूर किया जाता है। अब बात आती है, ये तो हमने दिखाया था 90R रेल के लिए ये टेस्ट किया जाता है, पर जो बाकी स्टैंडर्ड रेल सेक्शन है उनके लिए कितना किया जाता है। जैसे आप इस टेबल से देख सकते हैं, जैसे रेल सेक्शन है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के अनुसार 60 किलोग्राम पर मीटर रेल सेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो जो वेट होगा टप का या फॉलिंग वेट का 1270 केजी लिया जाएगा। यहां पर जो वेट लेंगे आप 1270 केजी लेंगे और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बियरिंग 1.07 मीटर, ये डिस्टेंस है आपका यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 1.07 मीटर। और हाइट ऑफ ड्रॉप, जो आप इस हाइट से इसे जो गिराया जा रहा था वो आपका बढ़कर कितना हो जाएगा, 8.4 मीटर। तो इस तरह से इस टेबल की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि किस रेल सेक्शन के लिए कितना वेट लिया जाता है, कितना सिंपल सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस लिया जाता है और हाइट ऑफ ड्रॉप कितनी ली जाती है। नेक्स्ट टेस्ट इज टेंसाइल टेस्ट, ये आपका रेल स्पेसिमेन है और आप इस पर साधारण टेंशन लगा रहे हैं, यूटीएम
यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन में रखकर, तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 72 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी जो खास बात इस टेस्ट में है वो है इलोंगेशन कम से कम 14% होना चाहिए फॉर मीडियम मैग्नीज स्टील, मतलब कि वो रेल्स जिसमें मैग्नीज की मात्रा मीडियम रखी गई है, और इलोंगेशन कम से कम 12% होना चाहिए फॉर कार्बन क्वालिटी रेल्स के लिए, और ये टेस्ट आपका ऑप्शनल होता है। अब ये जो इलोंगेशन है 14% और 12% ये कम से कम इसलिए रखी गई है, इसका मतलब है कि कम से कम 14% स्ट्रेन आए उसके बाद वो फेल हो, मतलब कि इन्होंने एंश्योर किया है कि इस तरीके से जो आप जो रेल बना रहे हैं वो डक्टाइल हो। तो हम चलते हैं अगले टेस्ट की ओर, इसका नाम है हैमर टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, ये आपकी रेल सेक्शन है, इस रेल सेक्शन को नीचे रिजिडली क्लैंप्ड किया जाता है, मतलब कि उसे मतलब दृढ़ तरीके से क्लैंप या पकड़ कर रखा जाता है, क्योंकि जब इस पर हैमर से इंपैक्ट किया जाएगा, ये 4.5 किलोग्राम का हैमर होता है, ये जब इस पर इंपैक्ट करेगा तो ये इधर उधर ना खिसके इस वजह से इसे रिजिड सपोर्ट दी जाती है। जब आप इस पर इंपैक्ट करेंगे तो इसका जो वेब है वो वेब आपका इस तरीके की शेप का हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। पहली बात है सफिशियंट नंबर ऑफ ब्लोज आर गिवन टिल द वेब बेंड, मतलब जब तक वेब मुड़े ना तब तक आप इस पर हैमर से इंपैक्ट करते रहेंगे, और ऐसा करने पर जब इसकी शेप ऐसी हो जाए तो उसमें फ्रैक्चर या कहीं पर कोई दरार ऐसी नहीं पड़नी चाहिए, और ये टेस्ट भी आपका ऑप्शनल होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये पूछ रहा है लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मटेरियल इन द रेल इज इन इट्स, मतलब कि जो रेल होती है उसमें सबसे ज्यादा मटेरियल कहां पर होता है, हेड में, वेब में, फुट में, या हेड एंड फुट बोथ में। ये मैंने एक फ्लैट फुटेड रेल बना रखी है, इसका जो हेड होता है सबसे ज्यादा मटेरियल यहां पर दिया जाता है, हेड, हेड के बाद आपका फुट और उसके बाद वेब। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फिलेट इन अ रेल सेक्शन, मतलब कि किसी रेल सेक्शन में जो फिलेट दिया जाता है उसका क्या पर्पस होता है। फिलेट सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ये जो फिलेट है इस फिलेट का क्या मतलब है। आप देख सकते हैं यहां पर जो इस तरीके की शेप दी गई है इसे ही फिलेट कहा जाता है। मैंने यहाँ पर दो रेल सेक्शन ले रखे हैं जिसमें फिलेट दिया गया है और जिसमें फिलेट नहीं दिया गया है। पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, इंक्रीजिंग द लेटरल स्ट्रेंथ, इससे जो लेटरल या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो सामर्थ्य है वो बढ़ता है, क्या ये बात है। दूसरा है इंक्रीजिंग द वर्टिकल स्टिफनेस, मतलब कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा क्या उसमें कमी आएगी। तीसरा अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मतलब कि स्ट्रेस का एक जगह पर जरूरत से ज्यादा हो जाना क्या उसे ये रोकने में मदद करेगा। और तीसरा रिड्यूस द वियर, कैसे टूट फूट में रिडक्शन या कमी आती है। इसका सही आंसर है सी, अवॉइड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अब ये दोनों जो रेल सेक्शन है इनके ऊपर व्हील लोड पड़ेगा, व्हील का हैवी लोड, तो अगर हम यहां पर स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो सिग्मा बराबर होता है जितना भी लोड पड़ रहा है उसे हम फोर्स मानेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, क्योंकि यहां पर एरिया कम है तो यहां पर जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इन्होंने एक ज्यादा एरिया दिया हुआ है, यहां पर फिलेट प्रोवाइड किया गया है, मतलब कि यहां पर एरिया आपका ज्यादा है तो इस वजह से स्ट्रेस आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर यहां पर फिलेट दिया जाता तो ऊपर से जितना भी स्ट्रेस आ रहा है वो पूरा का पूरा ग्रेजुअली इस वेब में ट्रांसफर होता, क्योंकि फिलेट नहीं दिया गया है इस वजह से पूरा का पूरा लोड अचानक ही इस छोटे से एरिया पर पड़ रहा है जिस वजह से स्ट्रेस बढ़ जा रहा है। तो फिलेट आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन को तो रोकता ही है, साथ में जो इसका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी यूनिफॉर्म करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 52 kg रेल्स हैं जो मोस्टली अधिकतर कहां पर इस्तेमाल की जाती हैं, ब्रॉड गेज में, मीटर गेज में, नैरो गेज में, या ए वेबी दोनों में। तो हम जानते हैं जो 52 kg रेल है वो इस्तेमाल की जाती है ब्रॉड गेज में, ये टेबल हम पिछले लेक्चर्स में देख भी चुके हैं। जो ब्रॉड गेज रेल है उसमें ये सेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, 60 किलोग्राम पर मीटर, 52 किलोग्राम पर मीटर, 90 पाउंड्स पर यार्ड। इनका मतलब होता है 60 किलोग्राम पर मीटर का मतलब है एक मीटर रेल का वजन होता है आपका 60 किलोग्राम पर मीटर, और ये सेक्शन आपका आता है UIC, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, इसकी लंबाई 13 मीटर होती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मीटर गेज में कौन कौन से रेल सेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं और नैरो गेज में कौन कौन से रेल सेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल शुड नॉट बी लेस, इसका मतलब ये है कि जो स्टील रेल्स बनाने में इस्तेमाल की जाती है उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब जो तनन सामर्थ्य है, वो निम्न में से किससे कम नहीं होना चाहिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है वो देता है कि जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 72 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। तो इसके मिलता जुलता ऑप्शन है आपका सी,
हेड विड्थ ऑफ 52 किलोग्राम रेल सेक्शन, ये पूछना चाह रहा है कि जो ब्रॉड गेज में 52 किलोग्राम रेल सेक्शन इस्तेमाल किया जाता है उसकी जो हेड, हेड मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। आप यहां पर देख सकते हैं ये मैंने 52 किलोग्राम रेल सेक्शन बना रखा है और यहां पर 60 किलोग्राम रेल सेक्शन बना रखा है, इसकी जो हेड विड्थ है वो 67 mm होती है और जो 60 किलोग्राम रेल सेक्शन है उसकी हेड विड्थ होती है आपकी 74.3 मिलीमीटर। इसमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जो चीजें हमें और ध्यान रखनी रहेगी, सबसे पहली बात कि 52 किलोग्राम रेल सेक्शन की हाइट कितनी होती है, यहां पर दे रखी है 156 mm, 60 किलोग्राम रेल सेक्शन की हाइट कितनी है 172 mm और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो इसका फुट है उसकी चौड़ाई होती है 137 mm और यहां पर जो फुट है 60 किलोग्राम रेल सेक्शन उसकी चौड़ाई होती है 150 mm। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी होगी, हेड विड्थ, हाइट और जो फुट है उसकी चौड़ाई कितनी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है ऑर्डिनरी रेल, जो साधारण रेल होती हैं वो निम्न में से किससे मिलकर बनी होती हैं, क्या वो माइल्ड स्टील से बनी होती हैं, कास्ट आयरन से बनी होती हैं, रॉट आयरन से या हाई कार्बन स्टील। सबसे पहले हमें समझना होगा इन सभी का क्या मतलब है। स्टील बनाने के लिए किया क्या जाता है, स्टील के लिए हम आयरन में कार्बन मिलाते हैं और इस कार्बन के प्रतिशत को घटा बढ़ाकर हम अलग अलग प्रकार की स्टील पैदा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो माइल्ड स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.25% होती है, कास्ट आयरन में 2-4% होती है, रॉट आयरन में 0.1% या उससे कम होती है और जो आपका हाई कार्बन स्टील है उसमें कार्बन का परसेंटेज 0.6-1.5% रहता है। तो हम उसी टेबल पर आ जाते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो ग्रेड 880 रेल होती है उसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.6-0.8%। तो इसका मतलब है जो आपकी ऑर्डिनरी रेल या साधारण रेल है वो किससे बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील से। बाकी ये जो मैंने यहां पर दिया हुआ है कि कितनी परसेंटेज कार्बन है, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा कि माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रॉड आयरन, हाई कार्बन स्टील, इनमें कितना आयरन होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन फंक्शन ऑफ फिश प्लेट, जो फिश प्लेट होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है। ज्वाइन द टू रेल्स टुगेदर, मतलब कि दो रेल्स को आपस में जोड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन रेल विद स्लीपर, मतलब कि रेल को स्लीपर में जोड़ने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है अलाउ रेल टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, मतलब कि जो आपका रेल है वो मुक्त या फ्री रूप से एक्सपेंड कर पाए और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ पाए। और चौथा ऑप्शन नंते हैं, ये होती है फिश प्लेट, दो रेल्स को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक्चुअल फिगर है, फिश प्लेट है, यहां पर छोटा सा गैप भी दिया गया है ताकि जो एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है वो हो सके, लेकिन इसका जो सबसे पहला काम है वो है दो रेल्स को आपस में जोड़कर रखना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इसका सेकेंडरी काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट, मतलब कि एक फिश प्लेट में कितने बोल्ट दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में कितने बोल्ट हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब किसका आंसर हो गया 4। एक फिश प्लेट में 4 फिश बोल्ट लगाए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में। दो फिश प्लेट होंगी, एक फिश प्लेट यहां लगी रहेगी और एक ये फिश प्लेट इसके पीछे लगी रहेगी जो कि दिख नहीं पा रही है। दूसरा, 4 नट होंगे और 4 ही बोल्ट होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील ओवर द एंड ऑफ द रेल्स, द रेल गेट बैट डाउन एंड आर डिफ्लेक्टेड एट एंड, दीज रेल्स आर कॉल्ड ड्यू टू बैटरिंग एक्शन। ये बैटरिंग एक्शन क्या होता है, आप यहां पर देख सकते हैं इस फिगर में, जब रेल के ऊपर ये पहिया होकर गुजरेगा तो ये जो यहाँ पर जॉइंट है इस पर इंपैक्ट पड़ेगा या चोट पड़ेगी, तो इस वजह से इसकी जो शेप है कुछ इस तरीके की हो जाएगी। जब ये व्हील इधर से होकर जाएगा तो ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ पर क्योंकि चोट पड़ेगी तो ये भी नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये इस एक्शन की बात कर रहा है, ड्यू टू बैटरिंग एक्शन ऑफ व्हील्स ओवर द एंड ऑफ रेल, मतलब कि ये जो दो सिरे हैं इनके ऊपर बैटरिंग एक्शन या इंपैक्ट एक्शन जब होता है तो जो रेल है वो आपकी नीचे की तरफ मुड़ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर नीचे की तरफ मुड़ी हुई है और यहां पर और अच्छे से इसे दिखाया गया है। तो इस टाइप के जो डिफेक्ट आते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था इस टाइप के डिफेक्ट को बोला जाता है हॉग्ड रेल, मतलब कि जो नीचे की तरफ मुड़ गई है। अब ये वर्ड जो है हॉगिंग, इसका क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कैंटिलीवर बीम लेता हूं, इस कैंटिलीवर बीम पर जब आप लोड लगाते हैं तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, इसे क्या बोला जाता है हॉगिंग। अगर आप इसे कैंटिलीवर हिस्सा माने तो आप देख सकते हैं यहां पर भी इस तरीके से बैंड देखने को मिल रहा है और यहां पर भी इस तरीके से बैंड देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हॉग्ड रेल्स। चलो हमने हॉग्ड रेल्स तो समझ लिया क्या होता है, लेकिन ये जो रोअरिंग रेल्स है इसका क्या मतलब होता है, कॉरुगेटेड रेल्स इनका क्या मतलब होता है और बकल्ड रेल है इनका क्या मतलब है, ये भी हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमें समझनी पड़ेगी ये कॉरुगेटेड रेल्स क्या होती है, ये जो रेल की सतह है उस पर किस तरीके से इस तरीके के निशान पड़ गए हैं, इन्हें
कॉरुगेटेड रेल बोला जाता है। यहाँ पर भी कॉरुगेटेड रेल दिखाई गई है और यहाँ पर भी कॉरुगेटेड रेल दिखाई गई है। अब ये होता कैसे है, ये होता है अक्सर जब रेल का पहिया स्लिप करता है यहाँ पर तो ऐसे निशान बनाता चला जाता है। इन कॉरुगेटेड रेल की वजह से रोअरिंग साउंड होती है, मतलब कि जब पहिया इनके ऊपर चल के जाएगा, रोअरिंग का मतलब होता है जैसे बादल की गर्जना होती है, उसे रोर कहा जाता है। ड्यू टू लॉकिंग ऑफ एयर इन द कॉरुगेशन, अब ये लॉकिंग ऑफ एयर का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक रेल की सतह बना रखी है जिस पर कॉरुगेशन हो रखा है। अब मान लीजिए इसके ऊपर एक व्हील या पहिया होकर गुजर रहा है, तो जब ये पहिया इन रेल के ऊपर से होकर गुजरेगा इस पहिए के बीच में और ये जो यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं यहाँ पर थोड़ी सी हवा या गैप बच जाता है, क्योंकि इस व्हील का वेट कई टन में होता है, तो ये जो हवा जो बीच में रह गई है ये बहुत ही तेज स्पीड से इस गैप से बाहर निकलती है और साथ में ये एक बहुत तेज रोरिंग या गर्जना की आवाज करते हुए निकलती है। आप देख सकते हैं इसे ही लॉकिंग ऑफ एयर बोला जाता है। इस वजह से अनप्लेजेंट एंड एक्सेसिव नॉइज पैदा होती है। अनप्लेजेंट मतलब कि ये सुनने में अच्छी नहीं होती और इससे नॉइज क्रिएट होता है। नॉइज मतलब तेज आवाज होती है, वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन की वजह से ये जितने भी फास्टनिंग स्क्रू या बोल्ट्स लगाए गए हैं ये सभी ढीले पड़ते चले जाते हैं। अब बात आती है बकल रेल्स, आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से रेल जो है आपकी मुड़ चुकी है, इन्हें बोला जाता है बकल या मुड़ी हुई रेल्स। और क्या होता है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, स्टील की एक खास बात होती है जब भी उसे हीट किया जाता है तो उसकी जो लंबाई है बढ़ती है, अगर आपने इसे एक्सपैंड होने के लिए गैप नहीं दिया है तो फिर वो इस तरीके से मुड़ जाएंगी। आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है द स्लिपिंग ऑफ ड्राइविंग व्हील्स ऑफ लोकोमोटिव ऑन रेल सर्फेस कॉजेस, ड्राइविंग व्हील मतलब के जो रेल के इंजन से जुड़े हुए व्हील है जिसकी वजह से ट्रेन चलती है वो जब स्लिप करते हैं रेल की सतह पर तो उस वजह से किस तरीके के नुकसान पैदा होते हैं। हम इस वीडियो को देखकर समझेंगे कि ये किस तरीके की स्लिपिंग की बात कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेल के पहिए हैं वो बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं लेकिन रेल उतनी स्पीड से नहीं चल रही है, किस तरीके से स्लिपिंग हो रही है। इस क्वेश्चन में इस स्लिपिंग की बात की गई है, तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो स्लिपिंग है उसकी वजह से किस तरीके के डिफेक्ट होते हैं। पहला ऑप्शन है व्हील बर्न, दूसरा है हॉगिंग ऑफ रेल, तीसरा है स्कैबिंग ऑफ रेल और चौथा है कॉरुगेशन ऑफ रेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आप व्हील बर्न, किस तरीके से स्लिप की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर ये जो गड्ढा बन गया है इसे ही व्हील बर्न बोला जाता है। यहाँ पर जो रेल का ऊपर की सतह है वो बर्न हो गई है या जल चुकी है। और दूसरी बात आती है हॉगिंग ऑफ रेल, जो हमने पीछे अभी देखा क्या होता है हॉगिंग ऑफ रेल। तीसरा आता है स्कैबिंग ऑफ रेल्स, मतलब कि जो रेल की सतह है यदि उसमें से कुछ हिस्से टूट कर बाहर निकलने लगे तो उसे स्कैबिंग बोला जाता है। और चौथा होता है कॉरुगेशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कॉरुगेशन क्या होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द विड्थ ऑफ फुट ऑफ 90R रेल सेक्शन, यहाँ पर मैंने 90R रेल सेक्शन बना रखा है। आप इसमें देखिए फुट की चौड़ाई कितनी है 136.5 mm, ये आपको याद होनी चाहिए। तो आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट है, 52 किलोग्राम पर मीटर रेल सेक्शन होता है, 60 किलोग्राम पर मीटर और 90R रेल सेक्शन जो होता है, इन सभी की आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। 90R रेल सेक्शन होता है उसकी जो हेड विड्थ होती है 66.7 mm, इसकी जो हाइट होती है 142.9 mm और जो फुट विड्थ होती है आपकी 136.5 mm। ये सभी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल गैप ऑन बोथ साइड बिटवीन द इनसाइड एज ऑफ व्हील एंड फ्लेंजेस एंड द गेज फेसेस ऑफ रेल इज कैप्ट एज। अब ये बात कर रहा है किसी गैप की बात कर रहा है और कौन से गैप की बात कर रहा है आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये जो रेल का जो सिरा है और ये जो व्हील का जो फ्लेंज है उनके बीच जो गैप है उसकी बात की जा रही है। ये पूछना चाह रहा है कि ये गैप कितना दिया जाता है, तो इसका आंसर है 19 mm। अब सीधी सी बात है ये गैप इसलिए दिया जाता है ताकि रेल आसानी से चल पाए और आसानी से चलने की वजह से इन दोनों में आपस में टकराव ना पैदा हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया ऑन ए सिंगल रेल ट्रैक गुड्स ट्रेन्स लोडेड विद हैवी आयरन मटेरियल रन स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन एम्प्टी वैगन्स रन फ्रॉम बी टू ए, द अमाउंट ऑफ क्रीप इन द रेल्स ऑन ए सिंगल रेल ट्रैक। सिंगल रेल ट्रैक का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही रेल की पटरी है, सिर्फ इसी पर ही ट्रेन का आना और जाना होता है। दूसरी बात गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन मतलब के वो ट्रेन जिनमें मटेरियल या मालवाहक ट्रेन इन्हें बोला जाता है, लोडेड विद हैवी आयरन मटेरियल रन फ्रॉम ए टू बी, मतलब के स्टेशन ए पर हैवी लोडेड रेल स्टार्ट होती है वो बी तक जाती है और जब ये खाली हो जाती है फिर वो वापस बी से ए पर जाती है। अमाउंट ऑफ क्रीप इन रेल, जो रेल्स में क्रीप की डिफॉर्मेशन आएगी या क्रीप का जो डिफेक्ट आएगा वो पहला ऑप्शन है विल बी मोर इन द डायरेक्शन बी टू ए, मतलब कि जो बी से ए की दिशा है उसमें क्रीप ज्यादा होगी। दूसरा ऑप्शन है ए से बी की जो दिशा है उसमें क्रीप ज्यादा होगी।
जो ए और बी है उनके बीच का जो हिस्सा है वहां पर मैक्सिमम होगी, या चौथा कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन डेटा, मतलब कि जो डेटा इन्होंने दिया है, जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है उसके हिसाब से नहीं आप डिसाइड कर सकते। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये जो क्रीप है, क्रीप का क्या मतलब होता है। क्रीप का मतलब होता है टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, मतलब कि वो विकृति या डिफॉर्मेशन जो समय पर निर्भर करती है, जितना ज्यादा समय होगा उतनी ही ज्यादा क्रीप होगी। याद कीजिए हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये कोई बीम है, आपने इसे छत से टांग रखा है और जैसे ही आप इस पर लोड लगाते हो पी, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन आती है वो होती है आपकी पी एल ओवर ए ई। लेकिन क्रीप की वजह से समय के साथ इसकी लंबाई और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने लोड लगाया ये इलोंगेशन डेल्टा नॉट आ गया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जा रहा है ये इलोंगेशन भी आपकी बढ़ती चली जा रही है और इसके बढ़ने की दर समय के साथ कम होती चली जाती है। तो इसे ही बोला जाता है क्रीप। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक वर्ड होता है क्रीपर। क्रीपर का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो घास फूस होती है उसको क्रीपर बोला जाता है। घास की क्या खास बात होती है कि ये समय के साथ धीरे धीरे रेंग कर बढ़ती चली जाती है, तो इससे भी आप इस क्रीप को याद रख सकते हैं। इसका आंसर है आपका बी, विल बी मोर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, कि जिस दिशा में हैवी ट्रैफिक चल रहा है उस दिशा में ही अधिक क्रीप आती है। अब हमें समझना पड़ेगा जो क्रीप की थ्योरी होती है जो कि रेलवेज में दी जाती है वो क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल विद रेस्पेक्ट टू स्लीपर इन डायरेक्शन ऑफ हैवी ट्रैफिक, मतलब कि हैवी ट्रैफिक की दिशा में जो रेल्स हैं उनका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, मतलब लंबाई की दिशा में मूवमेंट स्लीपर के सापेक्ष, उसे क्रीप कहा जाता है। मतलब कहने का क्या हुआ, मान लीजिए ये आपकी रेल है और इस डायरेक्शन में हैवी ट्रैफिक चल रहा है, मतलब कि जो अभी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आप इसे ए बोलते हैं और इसे बी बोलते हैं और यहां तक आपकी मालवाहक गाड़ी इस दिशा में जा रही है जो कि भरी हुई है, तो जो क्रीप है वो भी इसी दिशा में आएगा। यही इसकी क्या कौन सी दिशा कही जाएगी, इसे ही हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो क्रीप की हम कुछ थ्योरीज देखते हैं। सबसे पहली बात आती है वेव मोशन थ्योरी। आप यहां पर देख सकते हैं इस रेल को मैंने यहां पर दिखा रखा है, ये जो स्लीपर है तीनों मैंने यहां पर तीन सपोर्ट के थ्रू दिखा रखे हैं। जब इसके ऊपर कोई व्हील नहीं चलेगा तो इसकी शेप इस तरह से रहेगी जो कि एक स्ट्रेट शेप है। जैसे ही ये व्हील इस रेल के ऊपर आएगा तो इसकी जो डिफॉर्मेशन है, जो इसकी शेप है, वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा बढ़ाकर दिखाए गए हैं ताकि टॉपिक अब आसानी से समझ में आ सके। तो जब ये व्हील इसके ऊपर चलेगा तो इस डिफॉर्मेशन को अपने साथ लेकर चला जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो रेल टेबल है, मतलब कि जो ये रेल की ऊपर की सतह है, ये जो रेल है वो आपकी व्हील के चलने की वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें इस तरीके का कर्व पैदा हो गया है, क्योंकि इसका वेट पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो रेल की सतह है वो इस तरह से हो जाएगी और ये जो व्हील चल रहा है ये इस डिफॉर्मेशन को अपने साथ खींचता हुआ आगे तक ले जाएगा। तो इस वजह से जो क्रीप है आपकी मैक्सिमम व्हील लोड की डायरेक्शन में होती है। तो आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं वेव मोशन थ्योरी डेवलपमेंट ऑफ क्रीप। अब दूसरी थ्योरी जो कि क्रीप को डिस्क्राइब करने में इस्तेमाल की जाती है वो है परकशन। परकशन का मतलब होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब ये व्हील है ये इस जॉइंट के ऊपर से होकर गुजर रहा है, तो जब ये व्हील यहां पर आएगा तो इस पर ये वाला जो हिस्सा है इस पर चोट पहुंचेगी और इस चोट को ही बोला जाता है परकशन। इस चोट पड़ने की वजह से रेल है उसको आगे की तरफ धक्का पड़ेगा, मतलब इस धक्के की वजह से या इस परकशन की वजह से इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। अब हम चलते हैं अगली थ्योरी की ओर, इसका नाम है ड्रैग थ्योरी। ड्रैग का मतलब हो जाए किसी चीज को खींचना। ये जो इंजन है रेल का, इसके जो व्हील होते हैं वो इस पूरे इंजन को आगे की तरफ गति देते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो इसके नीचे की जो रेल है उनमें पीछे की तरफ धक्का पड़े। यही न्यूटन का नियम है, कोई चीज आगे तभी बढ़ती है जब वो अपने नीचे स्थित वस्तु को पीछे की तरफ धकेले। इंजन के जो व्हील्स होते हैं वो रेल को पीछे की तरफ पुश करते हैं या धक्का देते हैं, जो कि हमने अभी देखा। और जो बाकी व्हील्स हैं रेल के, जो कि ये व्हील हो गए जिस पर इंजन नहीं जुड़ा होता, सिर्फ ये बोगी के जो व्हील होते हैं ये रेल को आगे की तरफ धक्का देते हैं। तो कुल मिलाकर क्योंकि इन व्हील्स की संख्या ज्यादा है तो जो क्रीप है वो ट्रैफिक की जो डायरेक्शन है जो कि सामने की तरफ है होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which one of the following rail failure is caused by loose fish bolt of expansion joint? मतलब कि जो expansion joint दिया जाता है,
अगर उसमें जो फिश प्लेट दी जाए उसके जो फिश बोल्ट होते हैं अगर वो लूज पड़ जाएं, ढीले हो जाएं, तो किस तरीके का रेल फेलियर आता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है क्रश्ड हेड, एंगुलर ब्रेक, स्प्लिट हेड और ट्रांसवर्स फिशर्स। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं ये फिश प्लेट वाला ज्वाइंट था, इस ज्वाइंट में फिश प्लेट दी गई थी, जब व्हील इससे होकर गुजरेगा तो यहां पर और यहां पर चोट पड़ेगी और यहां पर चोट पड़ने की वजह से आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से क्रशिंग हो चुकी है, तो इसको बोला जाएगा क्रश हेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रश्ड हेड। अब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन में एंगुलर ब्रेक्स की बात की गई थी वो क्या होता है। यहां पर ये जो रेल है ये पूरी तरह से बीच में टूट चुकी है, इस तरीके का जो ट्रांसवर्स फिशर होता है, ट्रांसवर्स मतलब के जो लंबाई की जो लंबवत या परपेंडिकुलर दिशा होती है उसे ट्रांसवर्स बोला जाता है। तो कंप्लीट ट्रांसवर्स सेपरेशन ऑफ हेड वेब एंड बेस ऑफ रेल, मतलब के जो रेल का हेड है, जो वेब है और जो बेस है वो पूरी तरह से अलग हो चुका है, तो उसे एंगुलर ब्रेक कहा जाता है। अब बात आती है स्प्लिट हेड, ये एक रेल है उसके हेड का एक हिस्सा टूटकर निकल चुका है, यहां पर भी आप देख सकते हैं जो हेड है उसका एक हिस्सा टूटकर निकल चुका है। इस वाले डिफेक्ट को स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटकर निकलना, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें यहां पर एक छोटी सी दरार दिख रही है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये आपका टूटकर कभी ना कभी बाहर निकल जाएगा। अब हम अगले डिफेक्ट को देखते हैं जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था, ट्रांसवर्स फिशर, ट्रांसवर्स ए प्रोग्रेसिव क्रॉसवाइज फेलियर। दूसरी बात इसमें दी गई स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस इनसाइड द हेड एंड स्प्रेड्स आउटवर्ड, ये जो रेल सेक्शन है इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस सबसे पहले डिफेक्ट के रूप में पैदा हुआ था और जैसे जैसे व्हील्स इस पर होकर गुजरे, जैसे जैसे टाइम बीता ये जो डिफेक्ट है ये बड़ा होता चला गया। आप यहां पर भी देख सकते हैं यहां पे ये न्यूक्लियस था, फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब ये पूरा का पूरा टूटकर बाहर निकल जाता है, इसे बोला जाता है ट्रांसवर्स फिशर। वियर्स ऑफ रेल्स इज मैक्सिमम इन, मतलब ये जो रेल में वियर होता है वो कहां पर मैक्सिमम होता है, टेंजेंट ट्रैक, जहां पर कहीं स्ट्रेट रेल जा रही है उसे बोला जाता है टेंजेंट ट्रैक। दूसरा होता है आपका शार्प कर्व, यहां पर जो लेफ्ट हैंडेड कर्व है टनल में या कोस्टल एरियाज में, तो इसका आंसर है बी मतलब शार्प कर्व। आप देख सकते हैं जब भी शार्प कर्व होगा, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट हैंडेड कर्व है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रेल का जो फ्लेंज है और जो व्हील का फ्लेंज है वो आपस में टकरा रहे हैं, कि ये जो व्हील का फ्लेंज है और जो रेल का फ्लेंज है ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इसमें इस तरीके का वियर या डिफेक्ट पैदा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका शार्प कर्व। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इंडियन रेलवेज में जो सबसे पहले रेल सेक्शन डिजाइन किया गया वो कौन सा था, इसका आंसर है ए डबल हेडेड रेल, लगते हैं ये है डबल हेडेड रेल। जब इसको डिजाइन किया गया था तब ये सोचा गया था कि जब व्हील इसके ऊपर चलेगा तो इसके ऊपर की सतह थोड़ी सी खराब हो जाएगी और जब ये खराब हो जाएगी तो हम इसे पलटकर वापस रख देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ऊपर की सतह जब खराब हो जाती है तो बैलेंस नहीं बन पाता, जब इस खराब सतह को आप नीचे रखेंगे और इस अच्छी सतह को ऊपर रखेंगे तो ये खराब सतह प्रॉपर बैलेंस नहीं दे पाती, तो इसका आंसर हो गया ये। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विड्थ ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ फ्लैट फुटेड रेल, ये 90R रेल सेक्शन है कि जो टॉप की विड्थ होती है 66.7 mm होती है, इसमें इसने सभी डायमेंशन जो दे रखी है 90R रेल के हिसाब से दी है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो बुल हेडेड रेल्स हैं वो सामान्यतः कहां पर दी जाती हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में दी जाती हैं, स्ट्रेट टेंजेंट्स मतलब स्ट्रेट ट्रैक में दी जाती हैं, कर्व ट्रैक में दी जाती हैं, ये मीटर गेज ट्रैक जो होते हैं उनमें दी जाती हैं, तो इसका आंसर है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का मतलब होता है जब भी ट्रेन को अपने सामान्य रास्ते को छोड़कर मुड़ना होता है तो वहां पर क्रॉसिंग या पॉइंट्स दिया जाता है। यहां पर दो रेल्स आपस में मिल रही हैं, यहां पर भी दो रेल्स आपस में मिल रही हैं, अगर हम यहां पर फ्लैट फुटेड रेल देते हैं तो यहां पर कंजेशन पैदा हो जाएगा, फ्लैट फुटेड रेल को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए और जो बुल हेडेड रेल है उसे रखने के लिए कम जगह चाहिए, तो क्योंकि आपको यहां पर छोटे से गैप में ही दो रेल प्रोवाइड करनी है इस वजह से बुल हेडेड रेल आपकी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में दी जाती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन ब्रॉड गेज मेन लाइंस विद मैक्सिमम ट्रैफिक लोड द रेल सेक्शन प्रेफर टू, मतलब कि वो ब्रॉड गेज मेन लाइन जिसमें मैक्सिमम ट्रैफिक लोड होता है उसमें जो रेल सेक्शन दिया जाता है, सीधी सी बात है तो ब्रॉड गेज रेल है उसमें या तो 60 किलोग्राम पर मीटर दिया जाएगा या 50 किलोग्राम पर मीटर दिया जाएगा। 50 किलोग्राम पर मीटर पहले इस्तेमाल होता था क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया है इसलिए अब 60 किलोग्राम पर मीटर इस्तेमाल होता है। 52 किलोग्राम पर मीटर देख लीजिए किन दोनों के बीच में आता है, ए में नहीं आता, 32.5 इसमें भी नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 44.7 to 56.8 किलोग्राम पर मीटर, इसके बीच में आता है आपका 52 किलोग्राम पर मीटर, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर,
ऑन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल ऑफ बीजी ट्रैक, मतलब कि जो आपका ब्रॉड गेज ट्रैक है उसकी लंबाई कितनी दी जाती है, हम नीचे टेबल में दे सकते हैं। ये टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। ब्रॉड गेज ट्रेन की जो रेल लेंथ होती है वो 13 मीटर या 42 फीट दी जाती है, तो 23 का आंसर हो गया आपका डी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मीटर गेज, मतलब कि जो भारतीय रेलवे में जो मीटर गेज होता है उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ या मानक लेंथ होती है वो कितनी होती है। मीटर गेज के केस में 12 मीटर या 39 फीट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 39 फीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन इंडियन रेलवेज में जो अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द रेल सेक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉर्मूला, ये पूछना चाह रहा है कि जो आप रेल सेक्शन डिजाइन करने वाले हो उसका जो वेट होता है, जैसे कि 52 किलोग्राम पर मीटर या 60 किलोग्राम पर मीटर, ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सा इस्तेमाल करना है, ये या ये। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है जो कि है ये, इस फॉर्मूले के अनुसार जो वेट ऑफ रेल है और जो एक्सेल लोड है लोकोमोटिव का उसका जो अनुपात है 1:560 होना चाहिए। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अभी हम आगे भी देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम एक्सेल लोड है आपका 560 सेक्शनल वेट ऑफ रेल इन पाउंड्स पर यार्ड या किलोग्राम पर मीटर, कहने का मतलब ये है अगर आप 52 किलोग्राम पर मीटर रेल इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम एक्सेल लोड आएगा, मैक्सिमम एक्सेल लोड का मतलब क्या होता है, ये होता है एक पूरा का पूरा एक्सेल, एक ही एक्सेल है, एक ही एक्सेल है, यहां पर बहुत सारे एक्सेल आप देख सकते हैं। तो इस एक एक्सेल पर जो मैक्सिमम लोड आएगा अगर ये ट्रेन 52 किलोग्राम पर मीटर रेल के ऊपर चल रही है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल 52 में जो इसका वेट है उसमें आप 560 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 29.12। अगर आप इसी फॉर्मूले को देखें तो आप सेक्शनल वेट ऑफ रेल कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेल लोड डिवाइडेड बाय 560। इस क्वेश्चन में देखो यही कह रखा है, जो वेट ऑफ रेल है डिवाइडेड बाय एक्सेल लोड ऑफ लोकोमोटिव है 1:560, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया गया है रेल्स गेट आउट ऑफ देयर ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपेंशन गैप, ये कहना चाह रहा है कि जो रेल की ओरिजिनल पोजीशन थी, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर जो रेल है वो सीधी हुआ करती थी लेकिन एक्सपेंशन गैप सही नहीं दिया गया जिस वजह से वो अपनी पोजीशन छोड़कर इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बकलिंग। अब हम समझते हैं कि बकलिंग किस तरह से होती है। यहां पर मैंने दो रेल सेक्शन ले रखे हैं, एक तो आपका सिंपली सपोर्टेड है जिसमें एक हिंज है और एक रोलर सपोर्ट है, दूसरी आपकी दोनों हिंज दी गई है। जब इस टाइप की बीम को हीट किया जाता है तो हीट करने की वजह से जो स्टील होती है उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसकी लंबाई बढ़े, क्योंकि यहां पर आपने रोलर सपोर्ट दे रखी है तो इस वजह से ये इजीली इसकी लंबाई बढ़ जा रही है, तो जिस वजह से किसी तरीके की बेंडिंग या कोई और डिफॉर्मेशन यहां पर नहीं आ रही है। अब हम बात करते हैं हिंज सपोर्ट की। अब क्योंकि यहां पर आपने हिंज सपोर्ट दे रखी है जो कि इसे अपनी जगह से हिलने नहीं देंगी, जिस वजह से यहां पर किस तरीके की बेंडिंग आ रही है, यहां पर एक कर्व पैदा हो गया है, यहां पर भी इस तरीके से बेंडिंग आ चुकी है। अगर उन्होंने इस जगह गैप दिया होता, यहां पर गैप दिया होता, यहां पर गैप दिया होता, तो ये फैल कर अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन रखती, क्योंकि आपने एक्सपेंशन गैप सही से नहीं दिया है तो इस वजह से इस तरीके का डिफेक्ट पैदा होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको मैच लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। लिस्ट वन में आपको डिफेक्ट दिए गए हैं और लिस्ट टू में दिया गया है कि ये डिफेक्ट किस तरीके के होते हैं। कॉरुगेटेड रेल, हम फटाफट इसको देख लेते हैं। कॉरुगेटेड रेल का क्या मतलब होता है, बर्ड्स का क्या मतलब होता है, वियर ऑफ रेल्स क्या होता है, फ्लैंज बिटन रेल्स इनका क्या मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, अब हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। रिपीटिशियस व्हील स्लाइडिंग एक्शन, यहाँ पर किस तरीके की डिफॉर्मेशन आ रखी है, ऐसा तब होता है जब व्हील यहाँ पर स्लिप करता हुआ आगे बढ़े, तो इस वजह से कॉरुगेशन रेल पैदा होता है। हाई नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ रेल, मतलब यदि रेल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो जरूरत से ज्यादा दे दी जाए तो कॉरुगेशन पैदा हो जाता है। स्टीप ग्रेडियंट एंड यील्डिंग, ट्रेन को एक तीव्र ढाल पर चढ़ना होता है तो उसके व्हील्स इस पर ज्यादा लोड डालते हैं, इस वजह से कॉरुगेशन पैदा हो सकता है। यील्डिंग का मतलब क्या होता है, जब रेल्स के ऊपर हैवी ट्रैफिक लोड चलता है और मान लीजिए ये लोड इसकी जो इलास्टिक लिमिट है उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर यहां पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगी जिस वजह से इस तरीके की दिक्कतें या प्रॉब्लम पैदा होंगी। तो हम डिस्कस करते हैं बर्ड्स, इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ गेज ऑन रेल साइड। जैसे ये शार्प लेफ्ट हैंडेड कर्व है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी तो व्हील का फ्लैंज और रेल का फ्लैंज आपस में इस तरीके से टकराएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं जो व्हील का फ्लैंज है और जो रेल का जो फ्लैंज है वो आपस में टकरा रहा है जिस वजह से इस तरीके का डिफेक्ट पैदा होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बर्स। हम चलते हैं अगले डिफेक्ट की ओर। वियर ऑफ रेल्स
टॉप सरफेस गेट्स वॉर्न आउट, मतलब ये जो रेल की टॉप सतह होती है वो खराब हो जाते हैं, यहाँ पर टॉप सरफेस खराब हो रखी है, व्हील बर्न हो रखा है, यहाँ पर कॉरोगेशन होता है, ये सभी वियर ऑफ रेल्स में आते हैं। अब बात आती है फ्लैंज बिटन रेल्स, इसका क्या मतलब है, इनर साइड ऑफ आउटर रेल इन अ कर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई कर्व है, इसमें जो आउटर रेल हुई ये मतलब कि इस रेल की बात की जा रही है, इस इनर साइड पर ये जो व्हील है ये इंपैक्ट कर रहा होगा, जिस वजह से ऐसा डिफेक्ट आ रहा है, छोटी छोटी बाइट्स हैं या बिट्स हैं वो यहाँ से निकल चुकी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो चेक रेल्स हैं वो इनर साइड ऑफ इनर रेल्स पर प्रोवाइड की जाती हैं यदि बीजी कर्व की शार्पनेस इससे ज्यादा है। चेक रेल्स क्या होती हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो रेल्स जा रही हैं ये तो ये जो साइड में जो रेल दी गई है इसे चेक रेल बोला जाता है। जब कोई रेल इस कर्व पर चलेगी तो उस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, यहां पर हम उसका डायग्राम देख सकते हैं। जब ये ट्रेन इस रेल के ऊपर होकर गुजर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, तो ये जो व्हील है इधर वाला जो व्हील है ये बाहर की तरफ इधर की तरफ इसकी जाने की टेंडेंसी रहेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो व्हील है ये इस पटरी से इस रेल से नीचे गिर जाए, तो आपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेल लगाई गई है। इस एक्स्ट्रा रेल का काम क्या है कि ये जो व्हील है वो इस ओरिजिनल रेल और ये जो चेक रेल है इसके बीच में जो गैप है उसमें ही ये व्हील ट्रेवल करे, तो ये होती है आपकी चेक रेल। यहाँ पर भी एक कर्व है और यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा रेल लगा रखी है, ये ही आपकी चेक रेल हुई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो चेक रेल्स हैं वो इनर साइड ऑफ इनर रेल पर प्रोवाइड की जाती है यदि बीजी कर्व की जो शार्पनेस है इनमें से किससे ज्यादा है, तो इसका आंसर है डी। मतलब ये जो कर्व है वो अगर आपका 8 डिग्री से ज्यादा है तो तब आप इस तरीके की चेक रेल्स लगाएंगी। ये डिग्री का क्या मतलब है, कर्व है वो या तो आप रेडियस के अनुसार बताते हैं या डिग्री के अनुसार बताते हैं, मतलब कहने का क्या है, मैंने कि दो सर्कल बना रखे हैं, आप इस सर्कल के बारे में कैसे बताएंगे, आप ये बताएंगे कि भाई इसकी रेडियस जो है वो ज्यादा है और ये वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस कम है। इसको अगर हम और ज्यादा टेक्निकली डिफाइन करें तो अगर हम रेडियस से अगर अच्छा पैरामीटर देखने की कोशिश करें तो वो आ जाता है आपका डिग्री। अब ये डिग्री ऑफ कर्व क्या है, डिग्री को समझने के लिए दो सर्कल लेता हूं, एक मैंने बड़ी रेडियस का सर्कल लिया है और एक थोड़ा छोटी रेडियस का सर्कल लिया है। डिग्री निकालने के लिए क्या किया जाता है कि कोई भी कर्व हो उसमें आप 30.5 मीटर की एक कॉर्ड लेते हैं, ये 30.5 मीटर की कॉर्ड मैंने यहां पर ली और 30.5 मीटर की कॉर्ड मैंने यहां पर ली, और ये जो कॉर्ड है सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है वही उसका डिग्री कहलाता है। क्योंकि ये सर्कल बड़ा है या ये कर्व बड़ा है तो यहाँ पर जो डिग्री है वो आपकी कम रहेगी, लेट से ये आपकी 4 डिग्री, यहाँ पर जो डिग्री है वो बहुत ज्यादा है, कितनी है अराउंड लाइक मान लीजिए ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। इससे एक बात ये समझ में आती है, मतलब कि रेडियस जितनी ज्यादा होगी डिग्री की उतनी ही कम होती चली जाएगी। दूसरा क्या मतलब है, दूसरा डिग्री को आप इस तरीके से समझ सकते, इस कर्व की जो डिग्री है वो कम है, यहां पर आपको जो कर्वेचर है मतलब कि जो मोड है वो भी कम है, और यहां पर देखिए यहां पर जो कर्वेचर है यहां पर जो मोड है वो भी ज्यादा है और डिग्री भी ज्यादा है, मतलब कि अगर आपका कर्व ज्यादा डिग्री का है तो वहां पर ज्यादा मोड आपको झेलना पड़ेगा और जहां पर डिग्री कम है वहां पर मोड कम होगा, तो इस वजह से इंजीनियरिंग में हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है इस डिग्री को कैलकुलेट कैसे किया जाए। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए कर्व सी बाय ए कॉर्ड 30.5 मीटर और 100 फीट लेंथ। ये एक बड़ी रेडियस का सर्कल है और जो रेलवे में जो कर्व दिए जाते हैं उनकी रेडियस बहुत ज्यादा होती है, जैसे 800 मीटर या उतना, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो कॉर्ड है वो और ये जो आर्क है उनकी लंबाई लगभग बराबर होती है, तो इस वजह से आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर आपने 30.5 मीटर की एक कॉर्ड ले रखी है या डिस्टेंस ले रखा है और ये जो सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा वही इसकी डिग्री हो जाएगी। अब हम डिग्री कैलकुलेट करने के लिए फिर दोबारा से इस कर्व पर आ जाते हैं। मान लीजिए 30.5 मीटर की जो कॉर्ड है या आर्क है ये सेंटर पर डी डिग्री बनाती है, तो आप देखिए जो पूरा सर्कल है उसका जो सर्कमफेरेंस होता है या जो परिधि होती है वो 2πr है, 2πr प्रदर्शित करता है 360 डिग्री को, मतलब कहने का क्या होगा जब आप इस कर्व पर पूरा 2πr चलेंगे तो आप कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं या कितना एंगल चल रहे हैं 360 डिग्री। इसी तरह से अगर आप 30.5 मीटर चलते हैं तो आप कितना एंगल सबटेंड करते हैं डी डिग्री, तो हम इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा ये, यहां से आप देख सकते हैं यहां पर आप 30.5 को 2πr और डी को 360 से डिवाइड किया, इस तरीके से आपका डी कितना आ जाएगा 1750/r, तो आपका जो डी है वो कितना आ गया 1750/r। यहां से आप देख सकते हैं जो डी है और जो आर है उसमें इनवर्स का रिलेशन है, मतलब जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी ही
कम आपकी डिग्री होती चली जाएगी, और जितनी कम डिग्री होगी उतना ही आपका कर्वेचर कम होता चला जाएगा या जो मोड है वो कम होता चला जाएगा, और जितना कम मोड होगा उतनी ही आसानी से आपकी ट्रेन मुड़ सकेगी। तो जो चेक रेल कहाँ दी जाती है, चेक रेल वहां दी जाती है जहां पर जो शार्पनेस है 8 डिग्री से ज्यादा है, मतलब जहां पर डिग्री या मोड 8 डिग्री से ज्यादा वहां पर चेक रेल आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि मोड ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी, रेल की बाहर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिस वजह से आपको यहाँ पर चेक रेल देनी पड़े। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है भारत में जो रेल्स बनाई जाती हैं उनको किस प्रोसेस से बनाया जाता है। पहला है ओपन हार्ट प्रोसेस, दूसरा है डुप्लेक्स प्रोसेस, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है नन। तो इसका आंसर है सी, ए व बी, ओपन हार्ट। हार्ट का मतलब होता है भट्टी। इस भट्टी में डाला क्या जाता है, स्क्रैप जो भी मटेरियल है, कार्बन, मैग्नीशियम, स्टील, ब्लास्ट फर्नेस वो होती है जहां से आयरन बनकर निकलता है। तो जो आपका लिक्विड ब्लास्ट फर्नेस है और जो स्क्रैप मटेरियल वो सब इसमें डालेंगे, हाई हीट दिया जाएगा, इस हाई हीट की वजह से ये पिघलेगा और पिघले हुए स्टील को आप मोल्ड में या सांचों में डालकर स्टील की रेल बना सकते हैं। अब बात आती है दूसरी, डुप्लेक्स प्रोसेस। डुप्लेक्स मतलब होता है डू, मतलब दो स्टेप इस्तेमाल किया जाता है। पहला स्टेप है स्टील रिफाइनिंग बाय बेसमर प्रोसेस। जो आप स्टील इस्तेमाल करने वाले हो उसको पहले रिफाइन किया जाता है, ये आपकी बेसमर फर्नेस है, यहां पर आप इसको स्टील को रिफाइन करेंगे, फिर बाकी। फिर दूसरा ओपन हार्ट प्रोसेस है, का रिफाइंड स्टील है और जो स्क्रैप वगैरह है वो सब आप इसमें डालकर उसे पिघलाते हैं, फिर इसमें से जो पिघला हुआ स्टील है उसे मोल्ड में डाल के आप रेल्स बना लेते हैं। तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिस्ट वन में रेलवे जोन दिए गए हैं और लिस्ट टू में हेडक्वार्टर दिए गए हैं और आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर आपका गोरखपुर में है। इसके बाद आता है ईआर, मतलब ईस्टर्न रेलवे, कलकत्ता में हो गया इसका हेडक्वार्टर। फिर तीसरा आता है एससीआर, मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद में। और आखिरी आता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहां पर मालीगांव या गुवाहाटी वहां पर आता है। ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ये हो गया ईस्टर्न रेलवे, ये हो गया आपका सिकंदराबाद डिवीजन, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी को कोई भी डाउट हो दे कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन अहेड। गुड बाय।